बसमरम्स स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर एट स्टार्ट करेंगे दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम और इसका फ़र्स्ट टॉपिक है रिवर्सिबल एंड इवर्सबल रिएक्शंस यहाँ पर टू मार्क्स का एक क्वेश्चन बन सकता है डिफ्रेंश बिटवीन रिवर्सिबल एंड इवर्सिबल रिएक्शंस तो इस पूरे टॉपिक के अंदर से आपने टू मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है जब भी आपको डिफरेंस कहा जाए डिफरेंशिएट करने के लिए कहा जाए तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आप लाइन लगाएं एक तरफ आप इधर आप रिवर्सिबल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और दूसरी तरफ इ रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम इ रिवर्सिबल रिएक्शन के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और इधर हम इिवर्सिबल रिएक्शन के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन दो, दोनों की हमें पता होनी चाहिए कि वट आर रिवर्सिबल एंड इिवर्सिबल रिएक्शंस तो ऐसे रिएक्शंस तो ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे जिनमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं ऐसे रिएक्शंस को रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे मींस रिएक्टेंट्स रिएक्शंस इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में होते हैं एक दफ़ा रिएक्टेंट्स रह कर के प्रोडक्ट्स बना देते हैं वो प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाते हैं उन्हीं कंडीशन के अंडर और इ रिवर्सिबल कौन से होते हैं इन दीज रिएक्शंस रिएक्टेंट रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉम प्रोडक्ट्स बट प्रोडक्ट्स डू नाट फार्म रिएक्टेंट्स अगेन यानी ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे जबकि जो रिवर्सिबल रिएक्शनस हैं वो दोनों डायरेक्शन के अंदर मूव करेंगे इनको डबल हैडेड एरो से शो किया जाता है रिवर्सिबल रिएक्शनस को जबकि इ रिवर्सिबल रिएक्शन क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं इसलिए इसको सिंगल एरो से शो की सिंगल हैडेड एरो से शो किया जाता है सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वही वाला जो डायरेक्शन का भी मैंने आपको बताया है रिवर्सिबल रिएक्शंस में इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन जबकि इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में इट गोज़ इन जस्ट वन डायरेक्शन थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस है रिवर्सिबल रिएक्शंस नेवर रीच टू कंप्लीशन इट नेवर रीचिज टू कंप्लीशन यानी ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होते रिएक्टेंट्स रिएक्ट react करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं सिर्फ प्रोडक्ट तक रुक जाता तो रिएक्शन कंप्लीट था लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाते रहते हैं वो रिएक्टेंट्स दोबारा से प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं इस तरह ये रिएक्शन जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है तो इट नेवर रीचिज़ टू टू कम्प्लीशन जबकि जो इिवर्सीबल रिएक्शनस हैं यानी कि जो रिवर्स नहीं होते वो हमेशा कम्प्लीट हो जाते हैं तो थर्ड पॉइंट इसका होगा इट ऑलवेज रीचिज़ टू कम्प्लीशन तीन पॉइंट्स डिफरेंस के लिखने के बाद आपने इनकी इग्ज़ैम्पल्स देनी है अब हम इनकी इग्जैम्पल्स देख लेते हैं सबसे पहली एग्जाम्पल इरिवर्सिबल रिएक्शन के केस में आ जाती है सोडियम और वाटर का रिएक्शन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन ये सिंगल हैडेड एरो से शो हो रहा है ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देती है हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोबारा से रिएक्ट करके सोडियम और वाटर में चेंज नहीं होती अंडर नॉर्मल कंडीशंस दैट इज़ व्हाई दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल रिवर्सिबल इसके अलावा सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है वाटर की फॉर्मेशन की हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर ये सिंगल हेडेड एरो से शो हो रहा है ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल है इस केस में भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बना देती है वाटर दोबारा से उन्हीं कंडीशंस के अंडर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होता इसलिए ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन है इरिवर्सिबल रिएक्शन में सेम कंडीशंस के अंडर प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स में चेंज नहीं होते लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा दें इस रिएक्शन के केस में वाटर को हीट किया जाए फ़िफ्टीन हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो सकता है लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं होता इसलिए ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एग्जांपल है इरिवर्सिबल रिएक्शंस की और इस रिएक्शन के अंदर स्ट्रोशियोमीट्रिक अमाउंट्स लेनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्ट्रोशियोमीट्रिक अमाउंट्स लेंगे नहीं कैलकुलेटेड अमाउंट्स लेंगे टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेंगे और वन मोल ऑफ ऑक्सीजन लेंगे तो टू मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे और कोई भी रिएक्टेंट वहाँ पर एक्सेस में मौजूद नहीं होगा और वो एंड पे बचा हुआ नहीं होगा यानी कोई भी हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस एंड पे मौजूद नहीं होगी बल्कि सारी की सारी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी दो एग्जाम्पल्स हमारे पास इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन की आ जाती हैं रिवर्सिबल uh, के केस में हमारे पास एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो अमोनिया प्रोड्यूस होता है और ये जो रिएक्शन की कंडीशन हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन करवाना है इन कंडीशंस के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया प्रोड्यूस करवाती है लेकिन अब ये जो रिएक्शन है ये इिवर्सिबल है ये बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड करता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रह करके अमोनिया बनाती है और अमोनिया सेम कंडीशन के अंदर इसी टेम्परेचर पर दोबारा से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में भी चेंज हो जाती है और ये रिएक्शन जो है वो होता रहता है रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनते हैं और प्रोडक्ट्स से दोबारा रिएक्टेंट्स बनते रहते हैं और एक पॉइंट आता है जब उन दोनों के दरम्यान में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है तो ये एग्ज़ाम्पल है हमारे पास रिवर्सिबल uh, रिएक्शंस की इस तरह से आपने डिफरेंस कर लेना है रिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शंस में शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने इसको प्रिपेयर करना है और साथ में इसकी एग्जाम्पल्स भी आपने देनी है